लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये टेक्निकल एनालिसिस का पहला सेशन है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। बिल्डिंग ब्लॉक करेंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से लेके चलें, और चार्ट्स वगैरह हर चीज़, मतलब हर एनालिस्ट को अगर टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता ट्रेडर को, तो वो ट्रेडर बन ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू बिकम अ ट्रेडर इफ़ यू डू नॉट नो द टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है ना। आपको चार्ट्स पढ़ने नहीं आते होंगे तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बिगिनर से। मतलब जैसे कि अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप ए बी सी डी होता है ना सर, आपको कोई सेंटेंस फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है। ऐसा करने से पहले आपको ए बी सी डी आनी जरूरी होती है, देन आपको वर्ड लिखना आना चाहिए, जो वर्ड बनता है सिंग लिखना आना चाहिए, देन आपको ग्रामर आनी चाहिए, उसके बाद आपका सेंटेंस बनता है। तो सेम चीज़ ये है, हम लोग बिल्कुल ए बी सी डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। अगर मैं एक आसान भाषा में बताऊं तो ये सिंपली एक तरीका है फ्यूचर प्राइसेस को फोरकास्ट करने का बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। मतलब प्रीवियस डेटा जो आपका चल रहा है, जो पहले चार्ट्स बन रहे हैं, उसके बेसिस पे आगे क्या हो सकता है उसको हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की मदद से। ये कोई आपका ऐसा नहीं कि ज्योतिष हो या फिर एस्ट्रोलॉजी टाइप का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली एक स्टडी होती है जो प्रीवियस ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ते हैं और उसको फ्यूचर पर अप्लाई करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकती है। बेसिकली चार तरह की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग। ये आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हो किस टाइप की ट्रेडिंग होती है। बहरहाल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पर वापस आते हैं। तो हर एक अलग टाइम की एनालिसिस के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यूज होता है, ठीक है। जैसे 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, जब हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो उसको आराम से समझ लेंगे। तो हमने देखा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड चीज है टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। देखो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब आप पीएनएल पढ़ते हो, बैलेंस शीट्स पढ़ते हो, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो, मैनेजमेंट की एनालिसिस करते हो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, वो सब चीज है फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट। टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है हमें इससे मतलब ही नहीं कि फंडामेंटल्स कंपनी क्या कह रहे हैं। हमारे लिए प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे, सीधी सी बात, ठीक है। प्राइस इज एवरीथिंग। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज रिलायंस का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है क्या नहीं है, ये बात आपको डेली में प्राइस मूवमेंट जो होता है उससे नहीं होता। वो होता है डिमांड एंड सप्लाई से, कि आज उसका डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो सारी चीज़ें आपको टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चलेगी। मैं कौन सी यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। अगर मैं अपने आपको कहूँगा तो मैं टेक्नो फंडा एनालिसिस करता हूँ, मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी करना होता है तो चार्ट को देखे बिना मैं कभी नहीं करता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी। और बड़े से बड़े फंड मैनेजर को भी ना बेसिक चार्ट पढ़ना आता ही होगा, ओके। तो चार्ट पे चलने से पहले हमको दो तरीके के चार्ट बेसिकली सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहले नंबर का होता है आपका लाइन चार्ट, ठीक है, और दूसरे नंबर का होता है कैंडलस्टिक्स, ठीक। हम ट्रेडिंग करेंगे जब एक्सटेंसिवली, मतलब 90% पार्ट हमारा इसका ही होगा कैंडलस्टिक्स का, अभी सब सीखेंगे वो सब, दूसरा लाइन का, ठीक है। अब अगर हम लोग कैंडल पे लाइन चार्ट की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है। ये आपके प्राइसेस है, क्लोजिंग प्राइसेस जो होते हैं टाइम फ्रेम के, ठीक है। अभी चार्ट पे आप देखोगे तो मैं उसको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्राइस चल रहा होता है और ये आपका टाइम पीरियड चल रहा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के तो हम लोग चलते हैं कैंडल्स पे, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं मैं, कैंडल्स को हम लोग बार भी बोलते हैं, ठीक। बार इज इक्वल टू कैंडल। अब एक चीज है, एक कैंडल में चार चीजें होती हैं, ठीक है। एक उसका हाई होता है, एक उसका लो होता है, एक कैंडल में क्लोज होता है और ओपन होता है। ये होता क्या है, ये प्राइसेस होते हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके प्राइसेस हैं। मतलब अगर मैं आपसे सिंपली सी एक बात करूं, लेट्स से हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, ठीक है। और 15 मिनट्स का मतलब ये कैंडल का ड्यूरेशन कितना है, 9:30 तक का। मतलब अगर ये कैंडल बनी है तो ये कैंडल 9:15 से 9:30 की, अगर हमें टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगाया हुआ है, ठीक है। हर कैंडल में चार कंपोनेंट हैं, हाई, लो, क्लोज, ओपन, ठीक है, चार कंपोनेंट हो गए। अब कैंडल बनती कैसे है, ठीक, वो हम लोग उसकी एनाटॉमी देखते हैं। लेट्स से ये वाली कैंडल आपकी है 9:15 से 9:30 के बीच की, ठीक है, ये आपकी कैंडल बन रही है। अब ये कैंडल एक ओपन प्राइस होता है, ठीक है। ओपन प्राइस का मतलब जो प्राइस 9:15 पे होगा, दैट इज कॉल्ड अ ओपन प्राइस। क्लोज प्राइस का मतलब क्या होगा, जो प्राइस 9:30 पे होगा, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज प्राइस। हाई और लो, ड्यूरिंग द डे बुल्स और बेयर्स दोनों की खूब लड़ाई चलती है। ड्यूरिंग द डे बुल्स जीत रहे हैं, बेयर्स जीत रहे हैं। डे मतलब टाइम फ्रेम, हो सकता है ये आपका एक दिन का हो सकता है, अभी 15 मिनट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ड्यूरिंग द 9:15 to 9:30, ड्यूरिंग दैट
बुल्स जीत रहे हैं, बेयर्स जीत रहे हैं, और दोनों में से एक लोग अपने हाई और लो लगाते हैं, मतलब प्राइस हाई जाता है, प्राइस लो भी जाता है। अब अगर हमने चार कंपोनेंट की बात करी थी, याद रखना इसमें ओपन लो हाई क्लोज में इससे मिलके बनते हैं आपके बॉडी, ठीक है। अभी हम लोग पूरी कैंडल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इससे मिलके बनते हैं हाई और लो से मिलके बनते हैं आपकी विक्स, ठीक है। विक्स को बोलते हैं शेडो, भी कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। विक्स या शेडो से बनते हैं आपका हाई और लो प्राइस। प्राइस है ये सारे याद रखना, 9:15 पे प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। अब अगर क्लोजिंग प्राइस, ध्यान से देखना, क्लोजिंग प्राइस यानी कि 9:30 का प्राइस ओपन के प्राइस से बड़ा है, जो 9:15 का प्राइस है उससे बड़ा है, दैट मीन्स इसको समझो, रटना नहीं समझना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो बड़ा है, यानी कि बुल जीत गए इस कैंडल के अंदर, तो क्या होगा, ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, दिस कैंडल विल बी ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 9:15 का प्राइस जो था वो छोटा था, 9:30 पे जो प्राइस था उसमें बुल्स आगे ले गए उसके प्राइस को। अगर क्लोजिंग प्राइस यानी कि 9:30 का प्राइस जो है वो छोटा है 9:15 के प्राइस से, इसका मतलब क्या हुआ, आपके बेयर्स जीत गए, मतलब ड्यूरिंग द टाइम कुछ भी होता रहा है लेकिन इस वक्त बेयर्स हावी रहे, क्यों, क्योंकि 9:30 का प्राइस। अब अगर मैं टाइम फ्रेम 15 मिनट का हटा के 1 घंटे का कर दूंगा तो यही कैंडल आपकी 1 आवर की बन जाएगी, और 1 आवर में कितना होगा, 9:15 पे मार्केट से लेके 10:15 तक की, ठीक है। तो वो कैंडल का कलर कैसा होगा, ओपन प्राइस क्या होगा इसमें 9:15 का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस क्या होगा इसमें 10:15 का प्राइस, ड्यूरिंग द टाइम हाई और लो बनते रहेंगे। इन दोनों का जो प्राइस होगा इससे मिलकर बनेगी बॉडी, और जो हाई और लो होता है उससे बनकर बनेगी विक्स। अब अगर हम लोग, ये एक बुल कैंडल है, लेट्स से मार्केट कहीं ओपन हुई 9:15 बजे, आपका 9:15 पे आपका प्राइस था 92 रुपीज, ठीक है। मैं एक बार सारा कुछ हटा देता हूँ फिर देखना। इस कैंडल में 9:15 का प्राइस है आपका 92, यानी कि ये क्या है, ओपनिंग प्राइस, ठीक। 9:30 की, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल मान रहे हैं इसको, 9:30 का प्राइस है इसमें 96, ठीक, दैट इज क्लोजिंग प्राइस। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि यार कैंडल का कलर तो ग्रीन होगा, ठीक है। हाई ड्यूरिंग द डे, यानी मान के चलो कि 9:00 आपका 50 मिनट के आसपास इसने जो प्राइस लगाया है वो लगाया है 90-100 का, ठीक है। और मार्केट खुला, जैसे ही खुलते ही एक लो मारा उसने 90 रुपीज का, तो यानी कि ट्रैवलिंग क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ समवेयर अराउंड यहाँ पे, जो कि 9:15 का है 92 प्राइस पे, वहां से मार्केट थोड़ा नीचे ट्रैवल हुआ, नीचे ट्रैवल करके प्राइस कहाँ तक आया, 90 रुपीज तक का, फिर मार्केट ने एकदम बुल्स हावी हो गए, ठीक। बुल्स हावी होकर प्राइस कितना बना आपका, 100 तक ले गए, 9:20 पे था ये वाला टाइम, ठीक। यहाँ पे भी एक करेक्शन कर लेना, 9:50 की जगह मैंने 9:20 बोला है, ठीक है। तो बाद में 9:30 पे प्राइस आ गया यहाँ पे, तो ग्रीन कैंडल कुछ बनी कैसे, मतलब आप समझ रहे हो उसका जो पाथ है किस तरीके से, 9:15 से 9:30 के बीच ही कैंडल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैंडल को समझो ग्रीन कलर की। अब अगर आपको मैं रेड नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज करता हूं। अगर यही प्राइस आपका ओपन होता और 92 वाला प्राइस क्लोज होता, इसका मतलब क्या था, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो बुल्स थे वो हार गए और बेयर्स जीत गए। तो जब बेयर्स जीतेंगे तो कलर का कौन सा बनता है, रेड कलर का, जब बेयर्स जीतेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको मान के चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो प्राइस 9:15 मार्केट में कितना ओपन हुआ, 96 रुपीज़ का, ठीक है, ओपन प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कितना हुआ आपका, 92 रुपीज़ का। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि यार ड्यूरिंग द 9:15 से 9:30 के बीच में जो प्राइस है उसमें नीचे गिरावट, यानी कि बेयर्स जीत गए ड्यूरिंग द टाइम। हो सकता है 9:20 पे प्राइस लग गया हो 100 रुपये का, ठीक है, और ड्यूरिंग द मतलब 9:25 के आसपास आपका प्राइस लग गया हो 90 रुपये का, लेकिन क्लोज हुआ आपका 92 का। तो कैंडल में क्या बना, ये 92 रुपीज़ आपका क्लोजिंग, रेड कलर की कैंडल। अगर आप इसका पाथ देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, ओपन प्राइस था 9:15 जो कि 96 था, उसके बाद 9:20 के आसपास आपका इसने हाई लगाया हुआ कहीं पे, जो कि प्राइस था 100 रुपये का, उसके बाद 9:25 तक आते आते प्राइस इसका जो आ गया वो 90 रुपये आ गया, एंड उसके बाद क्लोजिंग जो दिया अल्टीमेटली उसने 92 पे दिया, तो बन गई रेड कलर की कैंडल। अगर मैं सिंपल चीज में समझाऊँ कि रेड कैंडल कब बनती है, जब बेयर्स जीतते हैं, ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब बुल्स जीतते हैं, सिंपल। यही जो कैंडल अभी हमने देखा था प्राइसिंग का, ओपन हुआ, बेयर्स ने थोड़ा प्रेशर डाला, मार्केट ने बुल्स एकदम आ गए, बुल्स आने के बाद लास्ट में क्लोज होते होते अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, जो भी है उसके नीचे आ गए, ठीक। अब आपने एक कैंडल जो देखी थी, उस कैंडल में आपने देखा था दिस इज कॉल्ड बॉडी, ये वाले जो पार्ट है ना इसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी हमने कैसे बनती थी, ओपन प्राइस से और क्लोज प्राइस से। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा, रेड कलर की कैंडल है तो ओपन ऊपर होगा,
क्लोज नीचे होगा, ठीक है। और ये जो आपको डंडे दिख रहे हैं ना, बेसिकली ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस, हाई प्राइस, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एल, यानी कि लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं ये बनती है, इसको कहते हैं हम लोग विक्स, यानी शेडो, ठीक है, दिस इज आर शेडो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, जब आप साइकोलॉजी सीखोगे कैंडल्स की, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है, ठीक है ना। आपको कभी एक चीज बताता हूं मैं, अगर आपने ए प्लस बी का स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो आपने फॉर्मूला रटा होगा ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये आपने रट लिया होगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचो, मतलब ना थोड़ा सा अगर हम लॉजिकली सोचें तो क्या होता है, ये बेसिकली ए प्लस बी होता है, स्क्वायर है ना, तो एक ए प्लस बी और हो गया, ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया। अब क्या होगा, होता क्या बॉड मास का रूल से, ए स्क्वायर आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, तो प्लस ए बी, ठीक, प्लस बी की मल्टीप्लाई ए से होती है तो क्या होता है बी ए बनता है, ठीक, फिर बी की मल्टीप्लाई बी से होती है तो प्लस बी स्क्वायर बनता है, दिस इज कॉल्ड। अभी इसको मैं ऐड कर दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी एंड ए बी ए प्लस टू ए बी, ठीक, तो ये बन गया ना। अगर ये चीज समझ में आती है तो बेहतर, अभी बाद में तो रटना ही पड़ेगा, मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आपको बार बार ये खोलते थोड़ी करोगे, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है। लेकिन आपको अगर ये लॉजिक समझ में आ गए तो आपको आसान हो जाता है फॉर्मूलेस को याद करना। सेम चीज क्या है इसमें है, हमारे कैंडल्स में जब आपके हर कैंडल कुछ कहती है ना, अगर लेट्स से आप कैंडल इस तरीके की बनी, इसमें आपका बॉडी है, तो बॉडी जो बॉडी का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओपन या क्लोज से बनी होगी, हाई और लो केवल विक से बनते हैं ना, ठीक। तो अगर ये कैंडल मैं बात करूं, यहाँ पे आपका प्राइस ओपन हुआ है 9:15 बजे, 9:30 बजे प्राइस ये क्लोजिंग है, हाईएस्ट पॉइंट जो था कैंडल का वो ये है, एंड लोएस्ट पॉइंट जो था कैंडल का ये है, तो इस कैंडल को देख के क्या लग रहा है, इस तरीके से आप अपना वो करोगे, किस तरीके से पाथ बन रहा है। मार्केट 9:15 बजे ऊपर तो खुला, फिर क्या हुआ, मार्केट ड्यूरिंग टाइम बहुत ऊपर आया लेकिन रिजेक्शन आ गया, मतलब आपके सेलर्स आ गए, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, लो मारा, फिर थोड़ा सा वहीं पे क्लोज हो गया। तो अगर ये रेड कलर की कैंडल बनेगी, ऑब्वियसली जब ओपन प्राइस आपका ज्यादा है क्लोजिंग से, तो ये रेड जो कलर की कैंडल बन रही है दिस इज अ बेयरिश कैंडल, बिकॉज इसमें आपके जीत गए सेलर्स। अभी चिंता ना करो, अभी हम लोग कैंडल स्टिक्स में जाएंगे तो प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल इसके देखेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस प्लस कुछ कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके साथ साथ मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा ट्रेडिंग व्यू के, और वहां पे आपको कम से कम कुछ फंक्शन बेसिक्स आने चाहिए वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, मतलब कैंडलस्टिक जो बनती हैं उसे क्या क्या पैटर्न होते हैं, एक कैंडल को लेके कैसे बनता है, टू कैंडल्स को लेके कौन से पैटर्न बनते हैं, थ्री कैंडल्स को लेके कौन से पैटर्न बनते हैं। देन हम लोग लेवल्स ड्रॉ करना सीखेंगे कि चार्ट पे लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस उसका जोन, चार्ट की प्रैक्टिस ऑब्वियसली साथ में साथ करते ही रहेंगे। देन हम लोग चलेंगे चार्ट पैटर्न्स पे, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है और चार्ट पैटर्न्स अलग होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न अलग होते हैं, ठीक। फिर गैप अप गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद एक हमारा सेशन प्रॉपर होगा कि बुल मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, बेयर मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, और साइडवेज मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है। फिर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे, इंडिकेटर्स में कौन कौन से हैं, मूविंग एवरेजेस के देखेंगे, एमएसीडी देखेंगे, आरएसआई, स्टॉकेस्टिक, बोलिंजर बैंड्स, वीएफ, एटीआर, साथ में दो चीज़ें और हैं उसमें आपका आएगा पाइवट पॉइंट्स एंड फिबोनाची, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइंड करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपका हम लोग इसको कोर्स को फिनिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ मेंशन नहीं है ट्रेडिंग व्यू, लेकिन हम लोग चलते हैं, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें करनी कहाँ है, चार्ट देखना कहाँ है, करना क्या है, उसके लिए एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है आपका tradingview.com। हम लोग ट्रेडिंग व्यू गूगल पे सर्च करना, बुकमार्क लगा के रखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे गए, प्रोडक्ट्स पे गए, प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद चार्ट दबा दिए, तो आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से चार्ट खुल के आ जाएगा। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो कुछ पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दें, तो एक लेफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, एक आपका अपर साइड का पोर्शन दिख रहा है, एक आपका राइट साइड का पोर्शन दिख रहा है, और एक आपका बॉटम का पोर्शन है, ठीक है। सब में अलग अलग है, एक एक करके हम लोग सारे फीचर्स देखेंगे कैसे कैसे काम करेगा चार्ट। अगर आपको मैं सिंपली बताता हूँ तो दो एक्सेस होती हैं हमेशा ग्राफ पे, दो एक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज अ वाई एक्सेस, आपका वर्टिकल है, और ये आपकी एक्स एक्सेस है, ठीक है। यहां से आपका टाइम चल रहा होता है, मतलब अगर आप लेट से आपने इंट्राडे का चार्ट खोला, अभी सब चीज देख लेंगे, चिंता ना करो, बस मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं बिल्कुल। यहां चल रहा होगा 9:15 बज रहा होगा, फिर उसके बाद आपका 9:30 बज रहा होगा, ऐसे करके यहां आपका प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। ये आपका चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये चार्ट है निफ्टी का। अब ये कैसे खोला, दो तरीके होते हैं। आप राइट में सबसे ज्यादा
टॉप पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपकी एक वॉच लिस्ट बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड करोगे, सिंपली टाइप करो निफ्टी, ठीक है, ऐसे निफ्टी टाइप करोगे NIFTI आपका आ जाएगा, और ये निफ्टी का यहाँ से हमने चार्ट खोल लिया, ठीक है, प्लस कर लोगे तो आपका सेव हो जाएगा ये चार्ट, अगली बार आपको उस राइट वाले कॉलम में आके दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखो अब ये आपके सेव्ड हो गए। एक तरीका ये होता है किसी भी स्टॉक को खोलने का या चार्ट स्क्रिप्ट को खोलने का। दूसरा तरीका क्या होगा, आप सिंपली यहाँ पे जाओ, क्लिक करो और अपने कीबोर्ड पर टाइप करो रिलायंस, जैसे ये आपने टाइप किया रिलायंस और ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज खुल गया, ठीक। तो आप एक कॉलम हमने इधर से कवर कर लिया कि वॉच लिस्ट ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, राइट साइड से, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे होता है आपका प्राइस और यहाँ आपका चल रहा था टाइम। ये आपका देखो 17 तारीख, अभी हम लोगों ने टाइम फ्रेम है डेली चार्ट का, ठीक है, मतलब वन डे का टाइम फ्रेम। देन आपका टाइम फ्रेम आ जाता है 15 मिनट्स का कर सकते हो, 5 मिनट्स का कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे हम लोग चलेंगे कि इंटरडे में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, इसमें स्विंग में कौन सा करना है, वो सब देखेंगे, अभी सिर्फ बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो ये टाइम चल रहा है ना 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। दो तरीके के चार्ट हम लोग देखते हैं बेसिकली मेजरली, एक होता है लाइन चार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका कैंडल्स का। अभी ये लाइन चार्ट खुला हुआ है, मतलब एक लाइन चल रही है, जो भी लेट्स से अगर 11:50 से लेके आप टाइम फ्रेम 11:55 का 5 मिनट्स का यूज़ कर रहे हो, तो जो 11:55 पे क्लोजिंग टाइम होगा उसका ये प्राइस लिखा होगा, चाहे वो आपका 2080 चल रहा हो या अभी जैसे इस केस में आपका 2540 चल रहा हो, वो जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा इसका, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज अ लाइन चार्ट, बट हम लोग लाइन चार्ट्स पे नहीं जाते हैं, हम लोग कैंडल्स पे देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कैंडलस्टिक्स पे नहीं आए हैं, सिर्फ हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे क्या क्या फीचर्स हैं और उसको किस तरीके से लगाना है वो देखना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आए और इसको कैंडल्स पे कर लिया, ठीक। सेकंड जो आपका रहा हमारा, अभी हम लेफ्ट वाले पैनल पे चल रहे हैं, ठीक है, हमें प्राइस देख लिया क्या होता है और टाइम कैसे चलता है वो देख लिया। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट वाले कॉलम में देखोगे तो आप इसको खोलोगे तो ये ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं, ठीक है, किस तरीके से आपका वर्टिकल ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे वगैरह ये सब बनती हैं। यहाँ पे आपका जो लेवल्स हम लोग कहते हैं फिबोनाची वगैरह भी हम सब सीखेंगे वो होता है। यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो ब्रश आप कर सकते हो, जैसे लेट्स से आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपने ऐसे बना दी, ठीक। देन आपका टेक्स्ट लिखना हो, कुछ टेक्स्ट आ सकता है, शॉर्ट लॉन्ग पोजिशंस आती हैं यहाँ पे। ये आपका लेफ्ट वाला कॉलम है। टॉप पे जो कॉलम आता है यहाँ का यूज़ क्या है, लेट्स से मुझे टाइम फ्रेम को चेंज करना है, उसको 15 मिनट्स करना है, तो आपको क्या होगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो जाएगा। अब जो कैंडल्स बनेंगी, मतलब जो भी आपका प्राइस आएगा ये 15 मिनट्स के अंतर पे आएगा, दैट मीन्स 9:15 से 9:30 के बीच की एक कैंडल बनेगी, ठीक है, 9:30 से 9:45 के बीच की बनेगी, ठीक है। अगर मैं इसको 30 मिनट्स कर दूंगा तो क्या होगा, ये 9:15 पे मार्केट खुलती है, 9:15 से लेके 9:45 तक की कैंडल बनेगी, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये टाइम फ्रेम का होता है, ठीक। ये बेसिकली थोड़ा कंपेयर का है, जो भी चीज़ें आपको जैसे निफ्टी से कंपेयर करना है रिलायंस को, तो आपने कहा निफ्टी का चार्ट और आपका ये खुल जाएगा, निफ्टी कैसा परफॉर्म करती है, कोरिलेशन जिससे होता है ना कि निफ्टी ऊपर भाग रही है और ये आपका रिलायंस कैसा भाग रहा है, वो कोरिलेशन निकलता है, ठीक है। ये आपका कंपेयर के बटन से कर सकते हो, किसी से भी, रिलायंस का आप कंपेयर निफ्टी से कर सकते हो, बैंक निफ्टी से कर सकते हो, जिससे मर्जी हो उससे कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कैंडल्स, हमने देख ली इंडिकेटर्स। यहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोगों ने अभी बात क्या की थी, हम लोग MACD देखेंगे, तो आप क्या कर सकोगे, यहाँ पे MACD को क्लिक कर दोगे और आपका MACD लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये अभी क्या इंडिकेटर क्या होता है, कैसे इस पर ट्रेड करते हैं, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे, अभी सिर्फ इसके फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है, ताकि अगली बार जब मैं आपको सिखाऊंगा ना कि चार्ट पे ऐसे लगा रहा हूँ, उस टाइम पे मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाऊंगा कि इंडिकेटर्स कहाँ से लगेगा, कि आपका लाइन चार्ट कैसे है, कैंडल कैसे खुलेगा, टाइम फ्रेम कैसे चेंज होगा, वो सब नहीं, उस टाइम पर नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अलर्ट लगा सकते हो, अगर किसी भी स्टॉक पे आपको अलर्ट लगाना है कि रिलायंस कब क्रॉस करे इससे, तो आप अलर्ट लगा सकते हो इससे। ये रिप्ले है, बेसिकली रिप्ले का फीचर आपको जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ उतना ही सिखा रहा हूँ जितना मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, अगर लेट से आपने, मैं इसको हटाना है, MACD हटाना है, तो मैं कहाँ से हटाऊंगा, ये हट गया, निफ्टी हटा दी, ठीक है, इसको हटाना है MACD को, तो मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉस दबा दिया, हट गया। अब लेट से आपने क्या करा, आपने इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। अभी कैसे बनती है ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसकी चिंता नहीं है, सिर्फ मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स बता रहा हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनी है, आपको आई बटन में दिख जा रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। बहरहाल अभी हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है यार, ये मेरे पास सेव हो जाए ये इमेज, तो आपने क्या करा, यहाँ पे गए और ये कैमरा बटन दिख रहा है ना, इस कैमरा बटन पे आपने क्लिक किया सेव चार्ट इमेज। अब ये इमेज क्या होगी, आपके डाउनलोड हो जाएगी, जब भी आप खोलना चाहोगे तो ऐसी इमेज दिखेगी आपको ट्रेंड लाइन पे, ठीक है।
देन आप यहाँ पे अपना चार्ट को सेव भी कर सकते हो कि मुझे ये कोई, जैसे आपने दो इंडिकेटर लगाए, मैं मूविंग एवरेज प्लस RSI के बेस पे अगर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैंने दो इंडिकेटर लगा के यहाँ पे इसको सेव बटन दबा दिया। अब जब अगली बार मैं खोलूंगा तो मैं लोड कॉपी करूँगा, लोड चार्ट लेआउट। जैसे मैंने इसको क्या करा, लेट्स से एक इंडिकेटर लगाया इनसाइड बार स्ट्रेटेजी का, ठीक है, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी का आपने इंडिकेटर लगा दिया। अब ये लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ इसको सेव कर लूँ, ये एक फीचर खुल जाए। जब भी मैं अगला रिलायंस पे रिसर्च कर रहा हूँ, अब मैं निफ्टी पे अगर रिसर्च करना है और मुझे इनसाइड बार खोलना है तो मुझे इनसाइड बार ही खुलते हुए आ जाए हर बार। तो मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अब सेव कर दिया, फिर मैं यहाँ से जब लोड चार्ट लेआउट करूंगा तो ये अननेम्ड है। ऐसे चार पांच, जैसे आपने क्या करा, इनसाइड बार का सेव करके रख लिया, सेम MACD का एक सेव करके रख लिया, फिबोनाची का एक सेव करके रख लिया, ऐसे करके सेव करके रख लिया। सो दैट क्या होगा, आपको रिलायंस लगाना हो, इन्फोसिस लगाना हो, TCS लगाना हो, निफ्टी बैंक निफ्टी क्रिप्टो कुछ भी लगाना हो और उस पर इनसाइड बार काम करी नहीं करी, सीधा आप यहां से आके चेक कर लोगे, ठीक है। देन हमारा जो आता है कॉलम आपका सबसे राइट साइड वाला, हमने टॉप वाले कॉलम के बेसिक फीचर्स देख लिए, इसका आपने देख लिया, जो आपको अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, स्क्रिप्ट मतलब कोई भी स्टॉक कर सकते हो या फिर आपको क्रिप्टो करना है। लेट्स से मुझे बिटकॉइन करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बिटकॉइन ऐड कर दिया। अब बिटकॉइन मेरी लिस्ट में आ जाएगा, आ गया बिटकॉइन। अब मैं बिटकॉइन पे क्लिक किया, ये बिटकॉइन का चार्ट खुल के आ गया, ठीक। अब लेट्स से यहाँ का इतना ही आपको भी जरूरत है, इससे ज़्यादा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक नेचर पे इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कैलेंडर, इस पर क्लिक किया, आपको जाना है सीधे मुझे लेट्स से 1 अप्रैल का चार्ट या 4 अप्रैल का चार्ट खोलना है इसका, ठीक है। तो मैं 4 अप्रैल पे क्लिक किया, गो टू पे क्लिक किया, सीधा आप 4 अप्रैल की डेट से आपका चार्ट किस तरीके का बना था ये सीधा वो खुल जाएगा। तो याद रहे गो टू से, ठीक। इतना आप सीख लोगे तो मेरे को आसानी हो जाएगी, जब मैं आपको आगे वाली क्लास में सीधे इंडिकेटर्स लगाऊंगा या फिर वो करूंगा टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो मैं ये सारी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा। उस टाइम पे क्या होगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे ले चलूंगा कि यहाँ से आप इंडिकेटर लगाओ फिबोनाची का, चलो उस पे लगा के देखेंगे, दैट्स इट।